लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ वन है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू आई। ठीक है, ये काम आपने करना है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें सबके को फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले ए 11 निकालते हैं, वी नो इज -1 की पावर 2 आ जाएगी क्योंकि रो और कॉलम को ऐड करना है। नाउ यू हैव टू एलिमिनेट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, आपके पास क्या बचता है 0 0 -2 एंड 3। एंड इफ यू फाइंड द डिटर्मिनेंट तो आपका ये क्या आएगा, ऑब्वियसली 0। a11 डन है, a12 की वैल्यू -1 की पावर 3, डिटर्मिनेंट इज द 1 हटाया 2 हटाया, सेकेंड कॉलम हटाई फर्स्ट रो हटाया, 3 1 इज द -2 एंड 3 इज द। सो हियर वी हैव इज माइनस का साइन आगे आएगा 9, +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो -11 बनता है। a13 निकालते हैं तो हमारा एक पॉजिटिव बनती है ये वैल्यू। देन आर डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो हटाया थर्ड कॉलम हटाई 3 1 0 0, और ये डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करोगे यू वुड गेट 0। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू निकालनी है हमें, इट वुड बी a21। a21 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 3, देन अ डिटर्मिनेंट, सेकेंड रो हटाई फर्स्ट कॉलम हटाया, -1 2 0 एंड 3 वुड बी द। तो आपके पास क्या बनता है, पॉजिटिव 3। अब a21 हो गया हमारा, a22 की बारी है, a22 वुड बी पॉजिटिव साइन आएगा हमारा, देन अ डिटर्मिनेंट, तो 2 और 2 हटाया हमने यहाँ से तो हमारे को क्या मिलता है 1 2 1 3। सो यू वुड गेट पॉजिटिव 1। a23 की बारी है हमारी, a23 वुड बी नेगेटिव टर्म आ जाएगी हमारी यहाँ पे, और सेकेंड रो हटाया थर्ड कॉलम हटाई तो हमारे पास 1 1 -1 0 वुड बी देयर। तो आपके पास माइनस का साइन आएगा, देन अ +1 वुड बी देयर विच इज -1। a31 फाइंड आउट करना है हमने, पॉजिटिव वैल्यू बनेगी हमारी, पॉजिटिव के बाद हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे, इट वुड बी a31 ना, थर्ड रो हटाई फर्स्ट कॉलम हटाया तो हमारे पास -1 0 2 -2 बनता है। तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, पॉजिटिव 2। a32 निकालना चाहते हो तो आपका नेगेटिव साइन से स्टार्ट होगा क्योंकि -1 की पावर 5 होगी। अब यहाँ पे थर्ड रो हटाई सेकेंड कॉलम हटाया, 1 3 2 -2 बनता है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या बनेगी, इट वुड बी माइनस का साइन अहेड, -2 -6, सो इट विल बी -8, तो पॉजिटिव 8। अब हमें a32 निकालना है, सॉरी a33 निकालना है, थर्ड रो हटाई थर्ड कॉलम हटाया, -1 की पावर 6 होगा, डिटर्मिनेंट हमारा होगा 1 3 -1 0 वुड बी देयर। तो हमारे पास क्या बनता है, पॉजिटिव 3। अब एडजॉइंट ए हमारा क्या निकल के आता है, इट वुड बी एडजॉइंट ए वुड बी पहली वैल्यू a11, दूसरी वैल्यू -11, तीसरी हमारी a13 यहाँ पे लिखा जाएगा, देन a21 इज पॉजिटिव 3, a22 इज 1, a23 इज -1, a31 इज 2, a8 वुड बी देयर पॉजिटिव 3 वुड बी देयर। तो एडजॉइंट ए आ गया हमारा यहाँ पे। अब हमने पहले वाले पार्ट में क्या करना है, ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। नाउ विल बी मल्टीप्लाई ए विद एडजॉइंट ए, तो ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सामने ही हमें दी हुई है दोनों के दोनों टर्म्स, ये ए है हमारा मेन और ये एडजॉइंट ए। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, तो लेट्स ट्राई टू राइट ऑल द टर्म्स वी वुड हैव इन फ्रंट ऑफ अस। 1 को 0 से किया, इट वुड बी 0, -1 को -11 से किया, +11, 2 को 0 से किया, इट वुड बी 0, तो पहली टर्म तो हमारी 11 हो गई। अब दूसरी टर्म हमारी, इट वुड बी -1, सॉरी 1 को हम किससे करेंगे, इट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये 3 आ गया हमारा, -1 को किससे करोगे, इट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1, तो -3 आ गया यहाँ पे हमारा, सॉरी इट वुड बी 1, -1 को हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे, सो -1 आता है यहाँ पे हमारा, देन 2 को आप -1 से करोगे 2 आ जाएगा, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 विद 2, -1 विद 8, देन 2 विद 3, 6 आ गया यहाँ पे हमारा। तो पहली रो तो कंप्लीट है, सेकेंड रो लिखते हैं, इट वुड बी 0, फर्स्ट टर्म वुड बी 0, देन सेकेंड टर्म वुड बी 0 अगेन, क्योंकि 0 को -11 से किया, -2 को 0 से किया, अगेन 0, फर्स्ट टर्म हियर वुड बी 9, देन 0
देन आफ्टर इट प्लस टू। लास्ट टर्म में हमारे पास क्या होगा, सिक्स, जीरो वुड बी देयर, माइनस सिक्स वुड बी देयर। लास्ट में जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो वुड बी देयर। लास्ट में बिल्कुल आपका हो जाएगा थ्री, जीरो माइनस थ्री वुड बी देयर। अब लास्ट में बिल्कुल आपका हो जाएगा टू, जीरो प्लस नाइन। तो आपके पास क्या आंसर आता है निकल के, इलेवन जीरो 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 इलेवन जीरो 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 इलेवन वुड बी देयर। ठीक है, ये हमारा ए इंटू एडजॉइंट ए आ गया। अब इसी तरीके से आपने एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। एडजॉइंट ए पहले लिखा जाएगा, विच वी नो इज जीरो माइनस इलेवन, जीरो थ्री वन माइनस वन टू एट थ्री। किससे मल्टीप्लाई करना है, वन थ्री वन माइनस वन जीरो जीरो टू माइनस टू एंड थ्री से। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो पहला टर्म हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि आ रही है या नहीं आ रही है, इट मस्ट बी ऑब्वियसली सेम। तो जीरो हो गया, नाइन हो गया, नाइन प्लस टू इज इलेवन। जीरो हो गया आपका माइनस वन से, इट वुड बी जीरो ओनली। थ्री को जीरो से करोगे जीरो, टू को करोगे जीरो से जीरो। अब लास्ट में जीरो को टू से करोगे जीरो, थ्री को माइनस टू से किया सिक्स, माइनस सिक्स थ्री को टू से किया पॉजिटिव सिक्स, तो वो कैंसिल आउट होके जीरो हो जाए। सो इट वुड बी द सेम वैल्यू, यू कैन चेक एज वेल, सारी वैल्यूज हमारी सेम आएंगी बिल्कुल। देन उसके बाद आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है। अब सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालो, एक्सपैंड करो फर्स्ट रो के अलाउ, तो वन रहेगा, वन के साथ का डिटर्मिनेंट जीरो जीरो माइनस टू थ्री, देन सेंटर वाले का माइनस वन वुड बी देयर, देन डिटर्मिनेंट वुड बी देयर थ्री वन माइनस टू थ्री। लास्ट में आपका प्लस टू, देन अ डिटर्मिनेंट थ्री वन जीरो जीरो। तो आपके पास वैल्यू क्या निकल के आती है, वन के साथ जीरो हो जाएगा, प्लस वन वुड बी देयर, सॉरी थ्री इंटू थ्री वुड बी नाइन, और सेंटर में आपके पास माइनस है ना, माइनस टू है तो प्लस टू हो जाएगा, लास्ट में टू है तो हमारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास इलेवन आता है, और इलेवन को जब हम आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली सेम रिजल्ट वुड बी दो, क्योंकि आई मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज़ वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। तो सेम आंसर आएगा हमारा यहाँ पे फॉर ऑल थ्री।